यार ये रजत सर के दोस्त तो अभी तक नहीं आए। बड़े लोग हैं, देर से आना तो बड़े लोगों की आदत होती है, लेकिन समय हो गया है, आते ही होंगे। ये क्या मतलब है यार, अभी तो ये चुपचाप खड़ी हुई है यहाँ पे, थक गई ना तो तंग करने लगेगी, ना कोई काम करने देगी ना कुछ और। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको सेटल करके आती हूँ, वो रजत सर के फ्रेंड आ जाए ना तो मुझे फोन करके बता देना। ओके, जल्दी आइएगा प्लीज। चल पीहू, मामा इज गेटिंग लेट, कम कम सिटिया, सिटिया फास्ट। एनली हाय, हाय, आई एम लीविंग पीहू हियर, आई विल बी बैक इन 5, जस्ट लुक आफ्टर हर। ओके बाय बाय, थैंक्स पीहू, यहाँ से हिलना मत। ओके थे आप इतनी देर से? सॉरी सॉरी सॉरी, देर हो गई। क्या हुआ? फोन आ रहा है तेरा। ओह हेलो, यस हाय, दिस इज राम कपूर। हाँ सर, कहाँ है आप? नहीं, मॉल के अंदर आ गया मैं, अब कहाँ आना? सर हम सेकंड फ्लोर गैलेरिया के बाहर खड़े हुए हैं। ओके, आई विल बी देयर इन 1 मिनट, थैंक यू। ओके सर। सिमी, मैं पीहू का लंच बॉक्स ना गलती से अपने साथ ही ले आई, वो वहां पे वेट कर रही होगी, मैं एक काम करती हूँ उसे देकर आती हूँ। रजत सर के फ्रेंड को तू हैंडल कर लेना। हाँ प्लीज जल्दी आना सर, आ चुके हैं। मैं बस अभी गई, अभी आई, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ Thank you. मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे। फोन के पीछे पड़ा रहता है। तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? Let him be यार। What let him be? चश्मा लगे क्या? तुम देखना फिर। अच्छा ये पार्टी के लिए सारी गेस्ट लिस्ट मैंने चेक तो कर ली है। तुम भी एक बार चेक कर लो तो फिर फाइनल करें। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बस एक ही नाम मिस, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन का। राम के बारे में बात कर रहे हो? यहाँ अगर वो इंडिया में होता तो जरूर आता ना। अब अगर वो नहीं है यहाँ तो कैसे आ सकता है? अरे लेकिन सेलिब्रेट कैसे करें? इतने सालों में हमारी कोई सेलिब्रेशन रही है जिसमें वो नहीं था? सो अनफेयर। अब उसका काम ही ऐसा है कि उसे जाना पड़ा। तो 2 दिन बाद नहीं जा सकता था? अच्छा बाबा, जब वो आएगा तो तुम उससे बात कर लेना, क्योंकि तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास तो है नहीं। उसके बाद तुम उससे लड़ना, फिर उठ के बैठ जाना, फिर वो तुम्हें मनाएगा। इस तरह तुम्हारा ये लड़ना रूठना और मनाने का गेम भी हो जाएगा। ओके, मुझे फोन करने वाले हो ना? हाँ करना तो है, और जब करूंगा तो तुम्हारी बात करा दूंगा। क्लास लूंगी उसकी मैं। ठीक है, अभी जो काम करना है वो कर लें, अभी इनविटेशन। अरे गिर जाओगे तुम। यार थोड़ा रिलैक्स करो, यू हैव टू गिव हिम सम स्पेस। ये थोड़ा इंतजार करो मिस्टर, ये लड़की वक्त लगाएगी। हाय। व्हाट हाय यार, लड़कियां इतना वेट क्यों करवाती हो? और तुम लड़के कितने इंपेशेंट होते हो। व्हाटएवर व्हाटएवर, ओके। अच्छा वेयर आर यू नाउ एंड हाउ यू? हमने कल ही तो बात की थी, एक दिन में क्या बदल जाएगा? इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी। एनीवेज
You look quite different today. Different मतलब? अलग, बुद्धू. Translation नहीं मांगी थी. मैं जानना चाहती हूँ कि good different या bad different. You looking differently beautiful. Okay, I gotta go. Bye. अरे ये क्या मतलब हुआ? अभी तो आई और now you wanna leave. You always do this ना. जब भी मैं तुम्हें कोई compliment देता हूँ, you just wanna go away. 5 मिनट रुक जाओ. No. अच्छा 3 मिनट. Okay, 3 मिनट. Your time starts now. I just left her and came inside to finish work as soon as I can. ये लड़की भी ना कहाँ चली गई है? Peehus, she might be that side. I'll just find out. I'll be right back. Peehus. जितना बड़ा घर, उतना ज़्यादा staff, उतनी ज़्यादा confusion. Hello, भाई साहब, एक-एक फूल लगाएंगे तो अगले साल तक नहीं होने वाला. Please, जल्दी कीजिए. एक टेबल कैसे लग गई? अरे राज, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ. मैंने आपसे कहा था ना, शाम को यही बुफे टेबल बनने वाला है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हटाइए ये सब. हेलो भाई साहब, ये सीढ़ी हमने आपको दी है ना, चढ़िए ऊपर, मैच करना है ना. संभाल के, तुमने इतना बड़ा घर क्यों खरीदा? और ये जो फर्नीचर है, इसे मैं जला दूंगी एक दिन. हिट इट. एक्सक्यूज मी, ये आपको मरा हुआ लग रहा है या जिंदा लग रहा है? मरा हुआ है ना. हाँ. तो प्लीज ये सब चेंज कीजिए. हेलो, कौन? हाँ हाँ, आपके केटर कब तक पहुंचेंगे? क्या मतलब नहीं आने वाले? अरे किसकी जिठानी, देखिए आप कैंसिल नहीं कर सकते, हमने एडवांस दिया आपको. मेरी आने वाले बेब, कि वो केटर का फोन आया, वो कह रहा है कि शाम को वो खाना नहीं दे सकता क्योंकि किसी जस्टिस जेठ मलानी के अब पार्टी का ऑर्डर मिला है जिसमें लाखों कमा सकता है, इसलिए ही इज नॉट कमिंग. प्लीज उससे बात करो. ए, क्या बात करूं यार, बिजनेसमैन है, उसको अगर कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है तो वहीं जाएगा ना. आर यू किडिंग मी, तुम उसकी साइड कैसे ले सकते हो? नया कोई और मिल जाएगा यार, रिलैक्स. ऐसे कैसे मिल जाएगा, तुम कुछ करो. राहुल एक मिनट, एक मिनट, ये निकालना, एक मिनट मेरी बात सुनो. वो जो केटर है ना, जो शाम को वो जो खाना लाने वाला था, उसने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया और मुझे केटर की जरूरत है. और ये जो है ना, तुम्हारे बाप मेरी हेल्प नहीं कर रहे, प्लीज हेल्प मी. जस्ट रिलैक्स, गूगल इट, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डोंट बॉदर मी. एक मिनट, ये जो कॉलर है तुम्हारा, नॉट माय कॉलर, गूगल करो. तो और क्या कर रहा था, ये लो सारी केटरर्स की लिस्ट है. अरे राम, आना कैसे? Happy anniversary, dude. अरे वाह, तुझे याद रहा? अरे इतना sarcastically क्यों बात कर रहा है मुझसे, क्यों नहीं याद आएगी मुझे? अरे sarcastic नहीं हो रहा हूँ यार, तेरी memory की दाद दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल तू वैसे चीजें भूलने लगा है ना, इसलिए कह रहा था. अच्छा, क्या क्या भूला हूँ मैं आजकल? अरे तू कुछ दिन पहले नेहा का बर्थडे नहीं भूला था? और अभी तो फिलहाल तू इस बिजनेस ट्रिप पे गया है और अपना ऑल इम्पोर्टेंट टैबलेट यही ऑफिस में छोड़ गया था अभी मेरे पास. अच्छा ठीक है, सॉरी, अभी जरा नेहा को फोन दे, उसे भी विश कर लेता हूँ. हाँ भाई, एक मिनट रुक, स्पीकर पे डालता हूँ तेरे को, 1 मिनट. हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग. बड़े हैं हैप्पी एनिवर्सरी कहने वाले. तुम्हें पता है ये हमारी 17th वेडिंग एनिवर्सरी है और पहली बार तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम तो. और मैं वहाँ नहीं आ सकता, यही कहना चाह रही हूँ ना. अब क्या करूँ यार, काम आ गया, सॉरी. बहुत ज्यादा अपसेट हो? ऑब्वियसली. But I know you both will understand, yaar. I refuse to understand. देखो गाड़ी, तुम दुबई गए हो ना, तो क्या 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है? पकड़ के आ जाओ ना. यार हमारी 17 एनिवर्सरीज पर तुम हमेशा रहे हो सकता है अगले साल हम ना हो एक साथ. कैसी बातें कर रही हो? चाहे 17 साल हो जाए या 70 साल हो जाए, तुम लोग हमेशा साथ रहोगे. मैं छोरों में. तो तुम रियली नहीं आने वाले? नहीं आऊंगा. ओके फाइन, चलो दुबई में करो अपनी डील्स और बनाओ अपने घर. नहीं, घर नहीं, क्या बनाते? मकान नहीं, इमारत. तुम पूरा का पूरा शेख जायद रोड खरीद लो मेरी बला से. I'm sorry यार, मैंने कहा ना, अगर आ सकता था तो आ सकता था, तो बहुत काम है, अब नहीं आ सकता. Okay, I'm not coming. Bye. Bye, Ram. अरे
बोलते क्यों नहीं उसे कुछ? क्या बोलूं यार, काम से गए और मैं जानता हूँ उसका ट्रिप इम्पोर्टेंट है, नहीं आ सकता ना। You're too easy on him. केटरर्स ढूंढने? केटरर्स? हाँ। Yes. कार्तिक ये कैसे? कार्तिक बोलो ना। हाँ, no, I don't think so. But Rahul, I told you the file was in the office. ये वाला देखो। ये, नहीं ये। I like this. अच्छा okay. लेकिन Rahul. Yes. अब बोलो। कौन सी? ये की है? This one's better. ये? हाँ. नहीं. ये अच्छा है। नथ, अगर फाइनली तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है तो मुझसे क्यों पूछ रही थी? क्योंकि तुमसे पूछना जरूरी है। क्यों? Well, तुम नहीं समझोगे। कार्तिक अंकल की कर रहा हूँ। Yes, champ। अरे लड़की अंकल समझा करो। उसका इतना नाराज होना पड़ता है। तो आप हाँ बोलोगे वो ना बोलेगी। जब ना बोलूंगी वो हाँ बोले। ट्राई करके देख लो, ऑल द बेस्ट। अच्छा चैंप, ये भी ट्राई कर लेगा। नताशा, वैसे ना तुम सही कह रही थी, ये तुम पे सही नहीं लगेगी। पिंक डजंट गो वेल विद यू। हां, I think that one is better. ये पिंक ना सूट नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर। किसने कहा ये मुझे सूट नहीं करेगा? हां, डोंट यू नो नट्स, जो भी पहनती है उसे सूट करता है। एक्चुअली मैं यही साड़ी पहनूंगी। जय पापा खुश कपूर। जीते रहो अंकल। अच्छा एक बात बताओ, ये सब कुछ आपने सीखा कहाँ से? आपको पता है ना अंकल, घर में इतनी सारी औरत है और अकेला मैं ही आदमी हूँ। हैंडल करना आसान थोड़ी ना है। अच्छा और एक बात, इस बार तो मैंने फ्री में सलाह दी आपको, अगले बार पैसे लूंगा। Ah, eclair, my favorite. Yummy, my favorite. Oh, really? Mera bhi. One eclair, please. Sorry, I've only one eclair. Can you give me change, ma'am? You have a change. ये लीजिए।
आपको जैसे ही पता चला कि एक ही पीस बचा है, आपने इतनी जल्दी पैसे भी दे दिए, वेरी स्मार्ट। वैसे मैं मम्मी के ऊपर हूँ। अच्छा, मतलब पापा भी नहीं गई? नहीं, स्मार्ट तो मॉम है ना। अरे पापा सुनेंगे तो पापा को बुरा नहीं लगेगा? शायद, अगर मॉम को बुरा लगेगा तो मुझे बुरा लगेगा। इतनी तीखी तीखी बातें तो जरूर आपने पापा से ही सीखी होंगी ना? शायद, मॉम मीठे हैं, पापा तीखे हैं। बाय बाय। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैं रास्ता भूल गई हूँ और मेरी मम्मी तो दिखाई भी नहीं दे रही। I'm sure वो मेरी चिंता भी कर रही होंगी, वो पैनिक भी हो रही होंगी। ऐसे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलिए मेरी हेल्प कीजिए मेरी मम्मी को ढूंढने के लिए। आप मदद मांग रही है कि ऑर्डर दे रही? जो भी समझना है समझिए, लेकिन चलिए। अच्छा अच्छा ओके, कम से कम ये तो बताइए कि आपकी मम्मी दिखती कैसी है? ब्यूटीफुल। ओह रियली? मेरी मॉम दुनिया की बेस्ट मॉम है। ओहो, तो मतलब हमको दुनिया की सबसे खूबसूरत मम्मी को ढूंढना है? बाप रे, फिर तो चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.